असलाकूम मैं जुलेखा किचन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से अफगानी चिकन कीमा साधारण यानी ऑर्डनरी इंग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कीमा बनाते हैं आज का चलिए ये है आधा किलो चिकन का कीमा अच्छे से धो के मैंने 10-12 मिनट के लिए छन्नी पर नितानने रख दिया था अब एक कढ़ाई का चूल्हा चालू कर दीजिए और एक टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल डाला है आप नॉर्मल सादा तेल भी डाल सकते हैं वेजिटेबल ऑयल और जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल दीजिए हमारी जो चिकन है वो और इसे एक बार चला लीजिए उसमें डाल दीजिए एक टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट नमक स्वाद अनुसार बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फास्ट आँच पर एक दो मिनट तक ये जो चिकन है इसका कलर चेंज होए तक इसे पका लीजिए जब कलर चेंज हो जाए और आप देखेंगे थोड़ा सा पानी भी छूटने लगा है तो यहाँ पर मैं आधा कप जितना पानी डाल देती हूँ और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए एक उबाल आ जाए तो स्लो आज करके ढाक कर इसे तकरीबन पंद्रह मिनट तक पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक जो चिकन है गल नहीं जाती पूरी तरीके से चलिए पंद्रह मिनट हो चुकी है चिकन गल चुकी है चूल्हा फास्ट आंच करके जो भी अगर पानी बचा हो तो पूरा सुखा लीजिए और अच्छा ड्राई आउट हो जाए तो आप चाहें तो ये कढ़ाई हटा दीजिए साइड पर और दूसरी कढ़ाई में आगे का प्रोसीजर कीजिए बट मैं वही सेम कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ तो ड्राई आउट हो गया मैंने चूल्हा कर दिया बंद और चिकन को मैंने यहाँ प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दिया अब सेम वही कढ़ाई के अंदर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ चूल्हा फास्ट आँच पर चालू कर देती हूँ और यहाँ पर एक बड़ी सी साइज़ की प्याज़ है उसे रफली स्लाइस uh, करके मैंने डाल दिया अब इसे फास्ट या मीडियम आँच पर तब तक फ्राई करें प्याज को जब तक कच्ची पक्की नहीं हो जाती हमें लाल वगैरह नहीं करना है जब कच्ची पक्की हो जाए समझिए ना दो तीन मिनट लगेगी कच्ची पक्की हो जाए तो मैंने यहाँ पर एक आ, मिर्ची को मोटी मिर्ची थी उसे मैंने काट के डाला है आप चाहें तो दो ले सकते हैं मैंने एक ही डाला है क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइस हम खाते नहीं हैं उसे भी दो तीन मिनट तक फ्राई कर लीजिए जब दो तीन मिनट मिर्ची भी फ्राई हो जाए तो उसका चूल्हा कर दीजिए बंद और कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए नितार कर इसे और थोड़ा सा मैंने यहाँ एक मुट्ठी टाइटली पैक्ड धोई हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया लिया है वो भी डाल देती हूँ और आधा कप जितना पानी डालकर इसे इस तरीके से बहुत अच्छा बारिक पेस्ट बना लीजिए और अब इसे साइड पर रख दीजिए अब सेम मैं वही कढ़ाई ले रही हूँ थोड़ा सा ना मैंने फिर से ऑलिव ऑयल डाला और दो टेबल स्पून भरकर मक्खन डाल दीजिए चूल्हा फास्ट पर चालू कर दीजिए ये गर्म मसाले हैं छः uh, आठ काली मिरी पाँच छः लौंग तीन चार हरी इलायची और एक डांडी दालचीनी की ये भी मैं डाल देती हूँ और अच्छा uh, तड़तड़ा तर जाने दीजिए हमारे गरम मसालों को जब अच्छा तड़तड़ा तर जाए गरम मसाले तो यहाँ पर जो हमने पीस कर रखा है ये सारा डाल दीजिए मिक्सर जार से निकाल कर और इसका मैंने चूल्हा कर दिया स्लो इसमें डाल दीजिए एक छोटे छह का चम्मच नमक एक छोटे का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर थ्री फोर्थ या एक छोटा का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर अगर आपके पास ये ना हो तो आप काली मिर्चों का पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ढाई छोटा का चम्मच धनिया पाउडर और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसे तकरीबन आधे एक मिनट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएं जब तक थोड़ा तेल नहीं निकलना शुरू हो जाता बार बार चलाते रहिएगा कि नीचे लगे ना हल्का सा तेल छूटने लगा आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने मिक्सर जार के अंदर जो भी चटका हुआ था लगा हुआ था उसके अंदर थोड़ा पानी डाला जैसे समझिए ना दो तीन टेबल स्पून जितना उसमें चलाकर मैंने इसमें डाल दिया इसे एक बार मिक्स कर कर स्लो आंच पर ढाक कर पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता चलिए मसाला भून चुका है तेल ऊपर आ चुका है हमें मसाला भूनना था मेन तो अब यहाँ पर मैं सौ ग्राम दही डाल देती हूँ ना ही खट्टी है ना ही मीठी है रूम टेम्परेचर पे है चूल्हा मीडियम आंच करके इसे बार बार चलाते हुए हमारी जो दही है इसे मिक्स कर लीजिए आधे एक मिनट तक इसे इसी तरीके से बार बार चलाते हुए दही को पका लें सो दैट काडल अपना हो जाए ना जब आधा एक मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और ढाक कर इसे पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता चलिए देखिए तेल छूट गया ना तो दही भी हमारी अच्छी भूना गई है जब मैंने मसाले डाले थे ना तो एक मसाला डालना भूल गई थी एक्साइटमेंट में यहाँ मैं अभी डाल देती हूँ एक छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर यहाँ पर मैंने आधा छोटे का चम्मच है ना वो एक्स्ट्रा डाला है सफ़ेद मिर्चों का पाउडर अब पहले मैंने चेक किया कि स्पाइस कितना है फिर यहाँ मैंने ज़्यादा बढ़ा है अब आप भी इसी तरीके से कीजिए या पहले ही ज़्यादा डाल दीजिएगा अब इसे एक बार मैंने चला लिया और तब तक पका रही हूँ स्लो आंच पे जब तक थोड़ा सा तेल छूट नहीं जाता ये देखिए तेल छूटने लगा ना तो अब यहाँ मैं डाल देती हूँ जो चिकन हमने पका कर रखी है ये सारी डाल दीजिए जो भी अब प्लेट पे लगा हुआ वो हो वो भी तेल वेल जो भी है वो सारा डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए जब मिक्स अच्छा हो जाए तो ढाक कर इसे स्लो आंच तो वैसे भी है उसमें पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक हमारा तेल नहीं छूट जाता सो दैट मसाले में ये जो हमारा कीमा है वो भी पकेगा बढ़िया सा तेल छूट चुका है जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आधा कप मलाई डाल रही हूँ और आधा छुड़ छाई का चम्मच गरम मसाले का पाउडर भी डाल दीजिए मलाई आप वन फोर्थ कप भी डाल सकते हैं आप ज़्यादा मलाई प्रेफर नहीं करते हैं तो मैंने बाजार की मलाई ली है आप चाहे तो घर की भी ले सकते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से मलाई लीजिएगा दूध मत लीजिएगा और मलाई पीस कर डालिएगा या फिर बहुत अच्छे से फेट कर डालिएगा मैंने यहाँ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया अब स्लो आँच पर इसे ठाक कर पकने दीजिए दो तीन मिनट चलिए दो तीन मिनट हो गई है ये देख सकते हैं आप तेल अच्छा छूट चुका है तो यहाँ मैं कर देती हूँ चूल्हा बंद मैं यहाँ मोटी जो फीकी मिर्चियाँ आती है वो डाल रही हूँ आप चाहें तो आप नॉर्मल मिर्चियाँ आती हैं वो भी स्लिट मार के डाल सकते हैं और थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए तो ये बन गया हमारा गर्मा गर्म मजेदार लजीज लज्जतदार चिकन अफगानी कीमा आप चाहे तो इसे रोटी के साथ सर्व करें पराठा फुल्का बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए रुमाली रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा हरा धनिया यानी कि कोथमेर थोड़ा सा डाल दीजिए इसके ऊपर और मैं नींबू का वो भी रख देती हूँ स्लाइस एक साइड पर नींबू जरूर निचोड़िएगा बहुत मजा आएगा खाने में अच्छा स्टार्ट में जो आपने देखा मैंने हरी मिर्ची एक ही डाली है तो आप अपने हिसाब से स्पाइस के लिए हरी मिर्चियाँ काली मिर्चिया और सफेद मिर्चियों का पाउडर का मिजान अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं तो है ना मजेदार रेसिपी आज की अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स में बहुत अच्छे लगते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए ये वाले वीडियो को और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा से आजरों की नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ आई देन टेक केयर ला बाय बाय